शांति। आज की तारीख है 31/3/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक, मीठे बच्चे अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ, भूले चुके भी किसी को दुख मत दो, बुरे वचन कहना, क्रोध करना, डांटना, ये सब दुख देना है। प्रश्न है, माया बच्चों की परीक्षा किस रूप में लेती है? उस परीक्षा में अडोल रहने की विधि क्या है? उत्तर है, मुख्य परीक्षा आती है काम और क्रोध के रूप में। ये दोनों मुश्किल ही पीछा छोड़ते हैं। क्रोध का भूत घड़ी घड़ी दरवाजा खटखटाता है, देखता है कि ये कहाँ भौं भौं तो नहीं करते। अनेक प्रकार के तूफान दीपक को हिलाने की कोशिश करते हैं। इन परीक्षाओं में अडोल रहने के लिए एक सर्वशक्तिमान बाप से योग रखना है। अंदर खुशी के नगाड़े बजते रहे, ज्ञान और योग बल ही इन परीक्षाओं से हमें पास करा सकता है। गीत बजा है, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। धारणा के लिए मुख्य सार के दो ज्ञान बिंदु। नंबर एक, ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जो अपने ऊपर कृपा के बजाय श्राप आ जाए। कोई भी भूत के वश हो ट्रेटर कभी नहीं बनना है। नंबर दो, श्रीमत पर बहुत बहुत मीठा बनना है, चुप रहना है, बहुत मीठे मिजाज से बात करनी है, कभी काम या क्रोध के वश नहीं होना है। वरदान सतगुरु बाबा का, सरल संस्कारों के द्वारा अच्छे बुरे की आकर्षण से परे रहने वाले सदा हर्षित मुख भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि अपने संस्कारों को ऐसा इजी यानी सरल बनाओ तो हर कार्य करते भी इजी रहेंगे। यदि संस्कार टाइट हैं तो सर्कमस्टेंसेस भी टाइट हो जाते हैं। संबंध संपर्क वाले भी टाइट व्यवहार करते हैं। टाइट अर्थात खींचातान में रहने वाले। इसीलिए सरल संस्कारों द्वारा ड्रामा के हर दृश्य को देखते हुए अच्छे और बुरे की आकर्षण से परे रहो। न अच्छाई आकर्षित करे और न बुराई, तब हर्षित रह सकेंगे। स्लोगन है, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही इच्छा मात्रम अविद्या है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।